हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये शादी का जो वीडियो रिकॉर्डिंग था, शादी का सपना, उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग था वो भी मैंने आपको भेजा था, और ये इसके साथ इसका रीडिंग और एक्सप्लेनेशन भी भेजा था। अभी आगे शब्दार्थ करते हैं। देहांत मतलब मृत्यु, डेथ जो हो जाती है, प्रसिद्ध मतलब फेमस, जो विख्यात होते हैं, मशहूर होता है। आलिशान मतलब भव्य शानदार, जो बहुत बड़ी इमारत होती है। फिर गढ़ाए मतलब गौर से, इतनी मतलब आकाश में एक नज़र से वो देख रहा था शादी की, कब चांद निकलेगा और कब हम ईद मनाएंगे। इमारत मतलब भवन, जो बहुत बड़ा इमारत जो होती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। लाडला दुलारा प्यारा, अपने बेटे अपनी बेटी कैसे लाडले होते हैं, अपना दिल से बहुत जो करीब होते हैं। प्रकाश मतलब रोशनी, जो लाइट होती है। बेबस लाचार, ये तीन बेबस लोग ऐसे थे कि जिनके पास और तो कुछ था, पैसे थे, इज्जत थी, पर उन लोगों के पास आंख, टांगे और कान नहीं थे। धन्यवाद मतलब शुक्रिया, थैंक यू जो होता है। चलिए बेटा अभी आगे पढ़ते हैं। ये शुद्ध उच्चारण कीजिए, उसका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही हमें करने हैं रीड करने के लिए। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है सोचिए और बताइए, वो मैं आपको बाद में भेजूंगी। देहांत जरूरत, आलिशान खुश, सच्चाई और प्रसिद्ध। चलिए अभी MCQs पढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। सादी कहाँ रहता था? सादी ईरान के एक नगर था, सिराज उसमें रहता था। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप सही का निशान लगाएंगे। सादी बड़ा होकर, जो ये सादी था, सादी नाम का छोटा सा बच्चा, वो बड़ा होकर के फारसी जो लैंग्वेज है, मैंने उस दिन आपको समझाया था कि जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उसी तरह फारसी भी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, उसका ये बड़ा होकर के कवि बना। तो लास्ट ऑप्शन में आप सही का निशान लगाएंगे। माँ की आंखों से आंसू क्यों टपकने लगे? ये पहले ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और हम इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में इसकी PDF इसके साथ ही भेज दूंगी। शादी को जूते नहीं दिला पाने के कारण माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने आपको लेसन के टाइम पे समझाया था कि शादी को कैसे भी करके कपड़े तो उनकी माँ दिला देती हैं, क्योंकि उनकी पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कैसे भी करके शादी को बड़ा कर रहे थे, तो उसको जूते नहीं दिला पाते तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। शादी ने सपने में क्या देखा था? शादी ने सपने में तीन ऐसे बेबस लोगों को देखा कि जिनके पास आंख, कान और टांगे नहीं थी, मतलब आंखें थी पर वो देख नहीं पा रही थी, कान थे मगर वो सुन नहीं पा रहे थे, और टांगे मतलब वो चल नहीं पा रहा था, उनकी टांगे वर्क नहीं कर रही थी। शादी ने सपने से क्या सीखा? शादी ने सपने से भगवान के द्वारा दी गई चीज़ों का मूल्य सीखा। वो लेसन के टाइम पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भगवान ने जो हमें बिना मांगे जो सब कुछ दिया है, उनकी हमें वैल्यू करनी चाहिए, उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ये छोटी सी आँखें जो इसके वजह से हम पूरी दुनिया देख सकते हैं, कान है उसकी वजह से हम सब कुछ सुन सकते हैं, तो ये हमको जो बिना मांगे भगवान ने सब कुछ दिया है, तो उसका हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। शब्दों की दुनिया, निश्चय में ईद लगाने से निश्चित शब्द बनता है कि निश्चय करना, डिसाइड करना, और निश्चित मतलब ये फिक्स कर दिया, डिसाइड कर लिया। आनंद में ईद लगाएंगे तो आनंदित हो जाएगा,
छोटी की मात्रा लगेगी, हर्षित, हर्ष में इत लगाएंगे तो हर्षित हो जाएगा, प्रफुल्ल में इत लगाए जो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, प्रफुल्लित होता है, सुबह की ताजगी भी कैसे हमें प्रफुल्लित कर देते हैं, उल्लासित मतलब हम जब आनंद से खुशी से भर जाते हैं वो होता है उल्लास, उसमें इत लगाएंगे तो उल्लासित हो जाएगा। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मैंने आपको समझाया है इसके पहले भी कि विलोम शब्द है वो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि दिन रात, धनी निर्धन, वैसे विलोम शब्द ऑपोजिट शब्द होते हैं। सुंदर का बदसूरत, जो देखने में एकदम अच्छे हो सुंदर और देखने में थोड़े बुरे, ऐसे मतलब जो होते भगवान ने जिसको जैसा भी बनाया है पर उसे बदसूरत कहते हैं, कि जिनकी सूरत अच्छी नहीं होती है। गरीब और अमीर, जिसके पास पैसे नहीं होते अपनी ज़रूरत को पूरा करना करने के लिए वो गरीब होते हैं, और जिसके पास पैसे होते हैं वो अमीर। एक और अनेक, एक मतलब एक सिंगल और एक एक से ज़्यादा जो भी अनेक होता है वो अनेक। प्रकाश और अंधकार, लाइट जब होता है रात को कैसे अंधकार होता है, जब भी हम लाइट करते हैं तभी हम सबको सब कुछ दिखता है। पाप और पुण्य, जो बुरे वाले कर्म होते हैं वो पाप होते हैं और अच्छे वाले कर्म होते हैं वो हम करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। मौखिक लिखित, मौखिक मतलब ओरल, अनलिखित मतलब रिटन, जो हम लिख के करते हैं। सुबह का अपोजिट वर्ड है शाम। सुबह जब सन निकलता है मतलब सूरज जब दिखता है तब ये रात खत्म हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके सुबह होती है। रोना हंसना, रोना मतलब हमें कोई भी बात के लिए रोना आ जाता है, हम हमारी पसंद की चीज़ नहीं मिलते तो हमें रोना आ जाता है। हंसना मतलब जब भी हम कोई भी बात के लिए खुश हो जाते हैं तब कैसे हम हंसने लगते हैं वो होता है हंसना। दिए गए अनेकार्थक शब्दों को समझकर उनके अर्थ लिखिए। हमारी जो भाषा है उनमें कितने ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिसका एक मीनिंग नहीं होता है, कितने उसके मीनिंग होते हैं, तो जब भी वो अलग अलग सेंटेंस में यूज़ होते हैं, अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं, तभी उनका मीनिंग अलग अलग होता है। इसमें इसके थोड़े एग्जांपल दिए गए हैं। वर्ण मतलब अक्षर, जो लेटर्स होते हैं उसको भी हम वर्ण कहते हैं, और वर्ण मतलब जो हमारा रंग होता है कि इसका रंग सांवला है, इसका वर्ण है मतलब उसका रंग है वो सांवला है, काला है, गोरा है। ये पत्र है और पत्ता, ये जो ट्रीज के जो लीव होता है उसको लीफ को भी हम पत्ता बोलते हैं, पत्र बोलते हैं, और पत्र हम जब हमारे कोई रिलेटिव्स, हमारा फ्रेंड, हमारा कोई भी अपने से दूर होता है तब जब हम उसको चिट्ठी लिखते हैं, खत ले वो भी खत होता है। गुरु मतलब जो हमें पढ़ाने वाला होता है वो भी गुरु, और ये उससे गुरु है मतलब ये उससे बड़ा है, ये सब में गुरु है, गुरु जो प्लेनेट भी है तो ये होता है गुरु। हार मतलब पराजय, जब कोई भी राजा हार जाता है दूसरा राजा को जो मिलती है पराजय। अब अपनी कोई भी बात के लिए जब जीत नहीं मिलती, हम जीतते नहीं, वो जब ही होती है तब वो पराजय होता है। और हार तो आपको पता है कि गले में फूलों का और भी कोई भी हार होता है वो होता है माला। कुल, कुल मतलब वंश, और कुल मतलब योग, ये उसका कुल है मतलब योग है, कुल है, और ये वंश जो बढ़ाते हैं वो होता है गुरुकुल। तो गुरु में जब ये योग होता है और अभी ये जो वंश होता है कुल के, ये दोनों उसके मीनिंग्स हैं। हल, हल जो खेत में जोतने का उपकरण,
जब अभी बोए जाते हैं तब ये जब बैल की मदद से बैल को कैसे उसमें जोत के फिर खेत जोतने के लिए वो होता है हल, और हल मतलब समाधान। कोई भी बात के लिए अब हल निकालना है मतलब उसका समाधान करना है। ये दिए गए मुहावरे हैं, उसके अर्थ के साथ उसको मिलाना है, पीठ थपथपाना। अभी कोई भी बात के लिए कोई अच्छा काम करके आते हैं तो हम उसकी पीठ थपथपाते हैं, मतलब शाबाशी देना, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना, फुलाना समाना। कोई भी बात के लिए हमारी बात हमें अच्छी मनचाही चीज मिल जाते हैं तो हम कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, वो होता है बहुत प्रसन्न होना, दुम दबाकर भागना। कभी हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारी कुछ चलने वाली नहीं है हमारी कार्य, तो फिर हम कैसे भाग जाते हैं दुम दबाकर। हमसे ज़्यादा ताकत कर ताकत वाले लोग होते हैं तो दुम दबाकर कोई भाग जाता है, और दांत खट्टे करना मतलब पराजित कर देना। कभी कोई भी बात के लिए कि कैसे ये राजा ने उसके दांत खट्टे कर दिए मतलब उसको पराजित कर दिया। ये सब टेक्स्ट बुक में और CW में भी आपको लिख लेना है। जैसे सेमेस्टर 1 में भी आपको नोटबुक में मार्क मिले थे, ये एग्ज़ाम में भी मिलेंगे, और CW टेक्स्ट बुक कम्प्लीट कर लेना है। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से वाक्य पूरे करने हैं, मतलब कोष्टक में जो शब्द दिया है उसको सेंटेंस के हिसाब से चेंज करके हमें लिखना है। सिराज में एक लड़का, डेक्स में रहना, रहना एक क्रिया शब्द है, उसके ऊपर से रहता था। वह चांद देख मतलब देखना, हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो चांद देखने की कोशिश कर रहा था। वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था। माँ की आंखों से आंसू टपकना, टपकना जो क्रिया है उसके ऊपर से हमें ये वाक्य के हिसाब से माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े तो उसको सही करके हमें उसका जो सही रूप है वो हमें लिखना है। दरवाज़ा खोलकर अंदर आ, फिर डेस्क के जाना, जाना है वो क्रिया है, तो वो जब वो आदमी उसको दिखता है तो वो उसको कहता है कि दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाओ। शादी की नींद टूट गई, जब भी ये सपना उसने देखा, टूटना है वो क्रिया है, उसके ऊपर से एड्रेस में हमें क्या लिखना है, शादी की नींद टूट गई। चलिए अभी ये जो हार्डवर्क से इसका पिक भी मैं आपको भेज दूंगी, और ये सोचिए और बताए के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने लिख के रखे हैं, वो भी अभी आपको समझा देती हूँ। फिर बाद में इसकी PDF मैं भेज दूंगी। शादी के बारे में कुछ वाक्य बोलिए, मतलब शादी जो छोटा था कैसा था, थोड़े वाक्य उसके बारे में हमें लिखना है। शादी एक गरीब बालक था, शादी अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं उनकी मां कर पाती थी, वो गरीब बालक था, उसकी ज़रूरत के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, वो आपको पता है मैंने समझाया था कि जब भी उसकी माँ की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं तभी वो उसकी माँ को कहता है कि माँ अगर मेरी कोई भी ज़रूरत के लिए आपको रोना पड़े तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते, वो उसको मना कर देता है। फिर उसके मन में लोगों के लिए दया थी, जब भी उसने देखा कि ये तीन बेबस लोग कितने कैसे से अपने बेबसी का रोना रो रहे थे, तभी उसको समझ में आया कि ये जो भगवान की दी हुई चीज़ है उनका मूल्य तो सबसे ज़्यादा है। त्यौहार के कारण आप
त्योहार के अवसर पर आप अपने माता पिता से क्या मांगते हैं? मतलब कोई भी फेस्टिवल हो तो कैसे हम भगवान को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी, मतलब अपने एल्डर्स होते हैं, उसके पैर छूते हैं और अपनी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो हम मांगते हैं। तो ये छोटे से इसमें दो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं आपको कि त्यौहार के अवसर पर हम अपने माता पिता के पैर छूकर उनके आशीर्वाद मांगते हैं और नए कपड़े मांगते हैं, मतलब नए जूते या अपनी कोई भी पसंद की चीज़ मांगते हैं। यदि आप शादी की जगह होते तो जूते न मिलने पर आप क्या क्या सोचते? ये थोड़ा वैल्यूबल क्वेश्चन है कि मैं तो आपको समझाती हूँ, फिर आप अगर चाहे तो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं कि अगर हम जूते नहीं मिल पे तो अपनी पसंद की चीज़ हमें नहीं मिलती है तो क्या हम अपने पेरेंट्स से जीत करने लगते हैं या हम उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं माँ, जब भी आपके पास पैसे हो तब मुझे लेकर देना। अभी तो आप मतलब जब भी पेरेंट्स होते हैं तब भी उसकी फीलिंग समझ में आती है कि अभी पेरेंट्स के पास अगर पैसे न होने की वजह से वो अपने बच्चे की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं तो उनको कितना फील होता है। ये वैल्यूबल क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया है। आप अपनी ओर से 2-3 सेंटेंस लिख सकते हैं। ये मैं एग्ज़ाम में नहीं पूछूंगी कि आपके पास अगर जूते आपकी माँ ने आपको नहीं दिलवाए तो आप क्या रोने लगेंगे, जीत करने लगेंगे कि माँ बस मुझे चाहिए कि जाए, अभी के तो बस बच्चे ऐसे ज़्यादा हो गए हैं कि अपनी जीत मनवाने के लिए कुछ भी करते हैं। पर जो अच्छे बच्चे हो तो उस की माँ कोई बात नहीं, मुझे दूसरी बार लाकर देना। अभी एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, यदि शादी ने सपना न देखा होता तो वो क्या करता? यदि शादी ने सपना नहीं देखा होता तो वह भी अपने जूतों के लिए दुखी होता कि मैं ईदगाह में जाऊंगा नमाज पढ़ने तो सब बच्चे हैं वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो जब उसने सपने देखा तब उसको ये बात समझ में आई कि भगवान ने जो हमें बिना मांगे कितनी चीज़ें दी हैं उनका, उनको हमें थैंक यू करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये सब की PDF मैं आपको इसके साथ भेज दूँगी और मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अच्छे बच्चे बनकर सब वर्क कंप्लीट करें, क्योंकि एग्ज़ाम तो शायद होगी, शायद 99% तो होगी। आपको ये सब अच्छे से पढ़ना है, समझना है और एग्ज़ाम भी देनी है। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।